जयपुर में बोगस फर्मों के फर्जी बिल जारी कर इनपुट टैक्स की चोरी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीजीएसटी जयपुर के एंटी विजन शाखा ने सोमवार को आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया। जयपुर और अलवर निवासी इन आरोपियों ने अलग अलग बोगस फॉर्म बनाकर धड़ल्ले से 3,393 करोड़ 99 लाख के फर्जी बिल अनेक कारोबारियों को मामूली कमीशन पर जारी कर दिए थे, जिनमें 85,27,48,000 की ITC का दुरुपयोग किया गया था। फर्जी बिलों को लेकर देश भर में हो रही कार्रवाई में जयपुर के CGST एंटीविजन शाखा को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 3,394 करोड़ के फर्जी बिलों के माध्यम से करीब 87 करोड़ की ITC का मिसमैच जयपुर एंटीविजन ने पकड़ा है। इस मामले में जयपुर एंटीविजन ने 7 आरोपियों को आज आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया और अदालत ने इन्हें जेल भेज दिया। हमारे साथ CGST के SPP मिस्टर बनवारीलाल ताखड़ हैं, हम उनसे जानते हैं मैटर क्या है। सर, ये मैटर क्या है? ये क्या है जो फेक इनवॉइसेज के मैटर चल रहे हैं, अभी काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं, और हमारे CGST DGGI विंग ने राजस्थान में जितना काम किया है, पहली बार जो विंग आई है इस साल में जितना काम किया है अब तक के मेरे 25 साल के उसमें किसी ने नहीं किया, इतने अरेस्ट हुए, इतने रिकॉर्ड हुए। सर, अभी जो मामला पकड़ा है वो 3,394 करोड़ रुपए के आसपास के फर्जी बिलों से संबंधित है। इसमें टोटल कितनी ITC का दुरुपयोग? मैं इसमें ये बताऊँ, 3,394 करोड़ टोटल वैल्यू का है, जिसमें 85 करोड़ का इनपुट और आउटपुट दोनों करीब करीब सम्मिलित है, इनपुट पे आउटपुट। इसमें एक विशेष बिंदु आप देखेंगे, मेरा आपका जोर विशेष, इन लोगों ने तो हद से भी हद पार कर दी। पहले जो लोग थे फेक इनवॉइसेज में जो करते थे वो फेक बिल फाड़ते थे और उस पर इनपुट और आउटपुट लेते थे, इन्होंने तो बिल भी नहीं फाड़े। फिर ये कैसे ITC का? ये कंप्यूटर सारे उसको करके इनवॉइस डाल के और उसको ले लिए। सर, इसमें जो ITC पास ऑन आगे की गई है, हाँ, क्या वो ITC सरकार में जमा हुई? कुछ भी जमा नहीं हुई, इन्होंने तो जो मनमर्जी आई वो नंबर डाल के और कंप्यूटराइज करके आगे आउटपुट कर दिए, कोई फिजिकली वो बिल भी जारी नहीं हुए। सर, अभी तक CGST ने जो जांच की है, इस जांच में इस बात का भी पता लगा होगा कौन कौन से ट्रेड्स को ये फर्जी बिल दिए गए? इसमें इन 7 आदमियों के करीब करीब ट्रेड हैं और इसका मुख्य एक अभियुक्त है, अभी फरार है वो, भी अभी इसमें मेन मुखिया जो कहते हैं वो अभी और फरार है, और भी अरेस्ट होने की संभावना है काफी। तो सर, ये माना जा सकता है कि जो अब तक 3,394 करोड़ का जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, ये राशि और आगे भी बढ़ेगी? इस हिसाब से तो इसका कोई वो एंड नहीं है, जिस तरीके से लोगों ने काम किया और ये 7 आदमी जुड़े हैं, अभी अगर इस तरीके से 7 आदमी और जुड़ जाएँ, 10 और जुड़ जाएँ आगे की इन्वेस्टिगेशन में, सो मोटो ही आगे वो चला जाएगा, उसकी राशि का तो विस्तार हो जाएगा। सर, आप जिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन और कितना लंबी चलेगी और उसमें क्या खुलासा होने की उम्मीद है? ये मैं आपको ये बताऊं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अर्थव्यवस्था को देखते हैं, ये जैसे इश्यूज है ये एक दिन का इश्यूज नहीं है, इनको दिन रात काम करते करते, ये अधिकारी लोग हैं दिन रात 24 घंटे काम करके और यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन ये जिसके माध्यम से फर्जी बिलों का ये फर्जीवाड़ा हुआ था। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।